हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। स्वागत है, आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है गांव के अंदर, जैसे कि आपको पता है। वैसे यार उठे तो सुबह 6 बजे के हुए लेकिन गुड़िया ने भाई आज भी पूरी रात ही सो ले दिया, लेकिन क्या करें भाई, कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सब चीजें तो होनी है और फेस तो करनी पड़ेगी। एंड गाइस, सुबह सुबह यार सूरज इतनी जल्दी निकल गया। गाइस सुबह सुबह का वेदर देखो आप, पूरा खुला आसमान है। और अभी हमने चाय वगैरह सब कुछ पी लिया और अब सोनम अब नहाने के लिए जा रही है। अभी हमें बहुत सारे काम करने भाई, आज हमें गुड़िया को पूजन के लिए बहुत सारा सामान लेकर आना है, बहुत सारी प्रिपरेशन होनी है। तो आज का काम पूरा प्रिपरेशन में जाने वाला है। ये देखो उस लड़की को, क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई तेरी? फिर से गुड़िया ने आज हमें रात को सोने नहीं दिया। एक काम करना, आज उसको आप अपने पास लेके सोना और आप सुलाना, ठीक है? अरे मैं तो तेरे को इतना बढ़िया ढंग से सुलाया था। ठीक है, आज की ड्यूटी पापा को देंगे अपन, ठीक है? आज पापा को ही देंगे। आज रात लाइट नहीं होती, मच्छर नहीं खाने से पूरी रात कपड़े सफा करता था। एक दिन देखो भाई, पेरेंट्स को सारी बातें ध्यान रहती है अपने टाइम की। अभी देखो सुबह तो चाय हमारी बन गई थी, लेकिन स्पेशली अभी किसके लिए बना रहे हो मम्मी चाय? ये देखो, ये तुम्हारी दिनचर्या है। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। ये उठते ही देखो अभी चाय मांग रहा है। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, इसे चाय चाहिए। कितने बजे था कल? कितने बजे सो गया था? क्या कर रहा था भाई? मैं कल नहीं सोया ना, दिल्ली से आके 2 घंटे सोया। साइलेंट करके फोन रखता अपने पास में वाइब्रेशन करके पैंट में डाल लिया कर। गाइस अभी सोनम हो चुकी है रेडी, ना लिए मैडम। ये देखो अपने राजस्थानी गेटअप में आ गई है। अब मम्मी इसके लिए क्या बना रही है? हलवा। वैसे गाइस एक चीज बताऊं, ये सोती नहीं है लेकिन फिर भी इसके डार्क सर्कल नहीं दिखते, बिल्कुल फ्रेश लगती है। अब मैं ना सोऊं तो भाई मेरे तो बहुत गंदी तरीके से दिखते हैं। अभी हम जा रहे हैं कुछ काम करवाने के लिए। तो गाइज आपको बता दो, अभी हमें सुरेर गांव के अंदर और ये पापा की स्कूल है भाई, पापा इसी में पढ़ते थे। और पहले के टाइम में तो भाई कपड़े भी नहीं होते थे। पापा क्या फटी हुई चड्डी पहन के आते थे आप? और पीछे से सब कुछ दिखता था, सब कुछ दिखता था। हाँ, से एक लंगोट लंगोट सा रहता था। और पीछे मास्टर भी पानी भरने आते थे ना, औरते जो उधर ही करवा के फिर लठ मारता था। गाइज पहले यहाँ पे एक कुआ था, पीछे देखो वहाँ पे कुआ भी है, वहाँ से पानी पीते थे स्कूल के बच्चे। कल से बिना नहाए इसी टी शर्ट में घूम रहा हूँ। और पता है यार, वीडियो अपलोड होने में आज थोड़ा सा टाइम लग गया। जो कल आपने वीडियो देखी थी, वीडियो यार इतनी मुश्किल से अपलोड हुई है आज सुबह से जाके। अब ये नेटवर्क नहीं थे यार गांव के अंदर, तो यहाँ की मुझे अपलोड करनी पड़ी है। नेटवर्क तो थे गांव के अंदर लेकिन गलत अपलोड कर दी थी, अब दोबारा अपलोड करी है मैंने। आर्यन देखो मस्त कचौड़ी खा रहा है भाई, राजगढ़ की फेमस कचौड़ी है भाई। भाई हम देखो यहाँ से कचौड़ी खा रहे हैं और यहाँ से हमने जूस पिया है, मतलब बहुत मस्त कचौड़ी बनाते हैं भाई राजगढ़ के अंदर। गाइज अभी मैं और आर्यन जा रहे हैं पापा के पास में। गाइज ये यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो आर्यन अपनी इज्जत छुपा रहा है, मेरी वाली जैकेट पहन गया। अभी हम यहाँ आ चुके हैं राजगढ़ वाली मार्केट में, और भाई अभी यहाँ से सामान लेंगे और पापा और वहाँ एंड में जाकर हैं, तो अभी चल रहे हैं हम उनके पास में। कैसा लग रहा है मेरी जैकेट पहन के तेरे को? मैं मुंह धो के भी नहीं आया, बहुत गंदा लग रहा हूँ। मैं इसको जबरदस्ती उठा के ले आया, मैं कहा यार तू मुंह धो के नहीं आया तो क्या हो गया? इतना स्मार्ट है यार तू, पागल स्मार्ट है, कोई ना कोई मिल जाए। गाइस अक्सर ऐसा होता है जब हम गंदे से बनकर आते हैं ना, कोई ना कोई हमारा सब्सक्राइबर मिल जाता है, और जब हम अच्छे बनकर निकलते हैं तो कोई भी नहीं मिलता है। तो वही नहीं आ रहे। कहाँ लेके जा रहे हो आप हमें? ये दुकान। तो गाइज अभी गुड़िया के फंक्शन के लिए हमें यहाँ से सामान लेना है, बहुत बड़ा सारा गोडाउन है यहाँ पे। आर्यन कैसे परेशान हो रहा है? चलने नहीं, छोड़ के चलते हैं। नहीं नहीं ऐसे लेके जाना पड़ेगा, साथ में लेकर आए मजे करते हुए चलेंगे। तो गाइज फाइनली हमने अपना सारा सामान ले लिया और गुड़िया की भाई सारा सामान आ गया। आप लोगों को हम लास्ट में जो भी होगा ना पूरा टोटल करके बता देंगे, फिर अबे आप डोनेशन कर देना। आप मजाक कर रहे हैं गाइस ऐसे ही। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या रह रहा है पापा, सब्जी भी लेनी है अभी? हाँ सब्जी का सामान रह रहा है अभी, तो भाई सब्जी भी लेनी है, टमाटर लेने, आलू लेने, बहुत सारी चीजें लेनी है। तो भाई हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए हमें राजगढ़ के अंदर। भाई नाम क्या है? पता आज हम क्या कह रहे थे, जब भी हम गंदे से बन के आते हैं, नादों के नहीं आते, हमें कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल ही जाता है। और भाई मिल ही गए देख लो, नजर पड़ी। चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, थैंक यू। और व्लॉग्स को यार औरों को भी रिकमेंड किया करो। इतना भी सामान लिया था, सारा लोड हो रहा है अभी टेम्पो के अंदर, और पूरा सामान टेम्पो के अंदर लोड होगा। टेम्पो चला के लेके जाएगा आर्यन? पैसे दे 500 रुपए। लेके तो जा पहले, मैं तेरे को पैसे दूंगा, रिक्शा लेके चला जा। तू दे तो सही, मैं तो चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो तू पैसे देने वाला बन, मैं चला लूंगा रिक्शा भी। नहीं 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 मेरे पैसे निकाल के मुझे देगा पैसे से मतलब। बकरियां ट्रैकिंग कर रही हैं, देखो गाइस ट्रैकिंग कर करके ऊपर चढ़ के जा रही है, इनका रोज का काम है। आर्यन ने भी पहले बहुत बकरियां चराई है ना? मैं पहले इधर रहता था गांव में।
गांव में आते थे ना तो इसको बड़ा शौक था, इसको क्या मुझे भी था, मैं भी जाता था पहाड़ों में। तो गाइस कल गुड़िया का वेलकम किया था ना तो ये कारपेट बिछाया था और इतने सारे फूल बरसाए थे, लेकिन कल थोड़ा अंधेरा हो गया था इस वजह से इतना मजा नहीं आ पाया, लेकिन अभी करेंगे दोबारा से उसका। देखो गाइस पूरी लिपाई कर दी है, देखो जो किचन होती है ना ये गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है, ये लीपते हैं और काफी शुद्ध माना जाता है गोबर और मिट्टी। ये लो आपके लिए, देखो मैं अरे हम दोनों की हालत देख यार, हम दोनों काम कर करके ऐसे हो चुके हैं, तू तो घर के अंदर है आराम से। हमारी गुड़िया सो रही है अभी, इसकी नींद पूरी अभी पूरी। अच्छा अभी सोई है, रात को जागती है दिन में सोती है। सोनम को तो डर ही लगता है, ये मत खाना, ये खा ले, ये खा तेरे लिए, देख इसमें कचौड़ी है, जलेबी है और तेरा फेवरेट पपीता का शेक। पपीता शेक है और बीडीपी तो यही मेरे मामा खाए तो मैं देखूं। तो चुप के मत पिया कर बीड़ी। गाइस देखो इतना सेक्सी कचौड़ी वाला। और आपने कितने दिया? देखो गाइस ये पांच की पांच इसने कचौड़ी बनाई है। दाल वाली प्याज वाली। अच्छा तो डिमांड भी पूछता है किसकी क्या डिमांड है। अरे दे दे भाई कोई सी दे दे, तेरे से तो कुछ भी खा लेंगे हम। देखो गाइस कितनी बढ़िया रावड़ी है, अभी अभी लेके आई है बिल्कुल फ्रेश। काय की रावड़ी है? खिचड़ी। अच्छा घाट की रावड़ी बोलते हैं जिसको। पकड़ो भाई राबड़ी, राबड़ी खाने का मजा ही अलग है। दो सिलेंडर लेके आया हूँ छाती में। गाइस आज है ना सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं हम लोग, काम इतने हो जाते हैं, हम जाके फ्री हुए हैं और दोपहर का टाइम हो रहा है। देखो आर्यन कितनी शिद्दत से कचौड़ी बना रहा है सबके लिए, थैंक यू आर्यन। एक टमाटर भी इसने मुझे फ्री दिया। गुड़िया के टेंट का सामान आ चुका है, गुड़िया के जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए टेंट का सामान जो मंगाया था आ चुका है। हमारा व्लॉगर है, हमारे घर आया नहाने। देखो गाइस वो चुप रहा है, वो देखो कहाँ चुप के नहा रहा है। देखो ये टाइम है तेरा नहाने का, तेरा पानी बहुत ठंडा है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे है ना सोनम की चल रही है भाई, रील्स बन रही है, सोनम अपनी रील्स बना रही है। गाइज अभी सोनम ने बहुत सारी रील्स बना ली और अभी तक को डांस भी करना है ना शाम को। आज पहली बार पता चला मैं मोटी हो गई। तो गाइज ये दिन का है ना तीन तीन किलो दूध पी रही है भाई। नहीं ज्यादा हो गया, तीन किलो तो ज्यादा हो गया, कितना दो किलो तो पी रही है, ऑलमोस्ट दो किलो पी रही है। एंड गाइज अभी पता है क्या करना है हमें अभी भाई, ये हमारा वो है क्या कहते हैं मार्गदर्शक, यही भाई इसने हमारे सब चीजों का प्रबंध किया है, डीजे वीजे का। अभी रात को भी जो अभी जो नाचेंगे वाचेंगे उसके लिए कॉलम भी ये लेकर आएगा ना भाई। गाइस हमारा कल है ना गुड़िया का गुआ पूजन है और आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बताओ हम कितने हेक्टिक शेड्यूल में जीते हैं। कार्टून मत बना ऐसे, इसकी ऐसी हालत हो रही है अभी तो। वैसे है ना इसकी डाइट पूछी थी ना पिछली बार वीडियो में, क्या बताई थी डाइट तेरी, क्या है डाइट? अब नहीं बताऊंगा, अब छोड़ दियो। छोड़ दिया और क्या गाइस, इसकी बहुत तगड़ी डाइट है, चाय चाय और बस चाय। क्या के लिए टेंट का प्रबंधन हो रहा है, आजा देख तो ले एक बार आके, हाँ गुड़िया को भी हमें देखना पड़ता है बार बार। ये तो सो ही रही है आराम से घोड़े बेच के, ये तो सो ही रही है, सो जाने दो इसको। क्या करे भाई, सब चीजें मैनेज तो करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके। देखो कैसे सुला रहा गुड़िया को, तो ये स्माइल मजा आ रहा है। सोते ही दूध मिलेगा, सोते ही आंखें जैसी बंद होगी दूध पीने को मिलेगा अपन को। क्या यार जलाल, चाय वाय बनवा यार, है आप तो चिकना हो गया है, क्या बात है, शेविंग बनवा ली तूने लग रहा है, चाय बनवा फिर। सुन तेरे लिए फिर दूसरी दवाई तैयार है हमारे पास में, चाय बनवा फटाफट से। मम्मी अपनी डेकोरेशन में लगी हुई है, क्या कर रही हो मम्मी? तो इस पे क्या कपड़े सुखाओगी? मम्मी जुगाड़ बना रही है यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखाने का, बढ़िया आराम से। हाँ तो क्योंकि कल फंक्शन है तो पूरी साफ सफाई करवा दी थी घर की। और ये देखो लास्ट टाइम जो पपीते के पेड़ लगाए थे ना, देखो आप कितने बड़े बड़े हो गए, इतने लंबे लंबे हो गए और ये तो मकान से भी ऊपर पहुंच गया है। एंड गाइस मेरी शादी में ना यहाँ पे डीजे लगाया था और हमने डीजे शादी के टाइम तो भाई बिल्कुल तोड़ ही दिया था, नाच नाच के इतना नाचे थे 3-4 बजे तक। लाकास की फेवरेट बन रही है चाय, चाय बन के तैयार हो जाएगी। चाय देख, चाय का नाम सुनते तो तेरी आंखों में चमक आ जाती होगी, है ना, जान में जान आ जाती है। आई मेड मोजो बाबी लाव। कल अच्छे से डेकोरेशन वगैरह होके कंप्लीट तैयार हो जाएगी और उसके साथ में डीजे वगैरह आएगा तो सोनम के भाई भैया भाभी
इंग्लैंड वाली भाभी हमारी और सोनम के मम्मी पापा और सोनम के कजन्स ब्रदर भी आ रहे हैं। तो कल भाई बहुत मजेदार व्लॉग आने वाला है गाइस। यहाँ पे है ना सूर्य उदय भी जल्दी होता है, यहाँ सूर्य उदय तो बहुत जल्दी होता है और दिन बहुत जल्दी छिप जाता है। तो अभी 5 ही बजे हैं देखो, और पहाड़ क्या होता है, सूरज को ढक लेता है, तो इस वजह से देखो रोशनी वो कहाँ पे कितनी दूर चली गई है। एंड ये गाइस हमारा मंदिर है, यहीं पे हम पूजा वगैरह करते हैं रोज शाम को। तो यार अंदर थोड़ी गंदगी हो जाती थी इसलिए हमने यही टेंट लगवा लिया। गाइस पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ऊपर क्योंकि यहाँ पे मेरे नेटवर्क अच्छे आते हैं। अगर मुझे कभी भी कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है ना तो मैं अपना फोन यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ और मेरी वीडियो यहीं पे ही अच्छी तरीके से अपलोड होती है। क्योंकि देखो पापा कल के प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आए पापा, ये उक्का चिलम है ऊपर की। गाइस देखो कितनी सुंदर चिलम है ना, ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही सुंदर है और इससे बड़ी बड़ी मिलती है। जितनी महंगी से महंगी लेना चाहो उतनी महंगी से महंगी ले सकते हो आप। और इससे अगर महंगी चाहिए तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे रॉयल चक्ती फिटनेस। तो गाइस अभी हमारा सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, तो अभी सारी चीजें तो हमने मंगा लिया, टेंट वगैरह रेडी कर लिया। और गाइस देखो ये है गाँव का देसी जुगाड़ जिसको बोलते है बुग्गा, हमारे साइड बुग्गा बोलते है भाई इसको। मतलब बिल्कुल मस्त तैयारी है सामान वामान लोड करने के लिए। और आपको ध्यान होगा एक वीडियो के अंदर मैंने और सोनम ने चलाया भी था। ये वाला घर है वो है मेरे ताऊ जी के लड़के का घर। और भाई अभी शाम को भैंसों का दूध दूध हमने निकाल लिया, तो अभी हमारी वो वाली भैंस ब्याह रखी है वही दूध देती है। अभी पता नहीं यार वो वाली ब्याह रखी है ये वाली ब्याह रखी है, छोटा बच्चा पता नहीं दोनों में से किसका है, लेकिन इनमें से एक भैंस दूध देती है। गाइस ये है हमारा ट्रैक्टर जिससे हम भाई खेत वेत की जुताई उताई करते हैं। सोनम मुझे अक्सर बोलती है कि यार मुझे ट्रैक्टर चलाने का इतना शौक है यार, मेरे को कोई चलाने ही नहीं देता। मैंने कोई बात नहीं, मैं तेरे को सिखाऊंगा, पॉसिबल हुआ तो इस बार नहीं तो अगली बार जरूर। एंड गाइस आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक हमारी बाइक है भाई, बहुत पुरानी बाइक है ये हीरो होंडा की, पहले चलती थी राजस्थान और यूपी में तो ये बहुत ज्यादा चलती थी, अभी तो भाई ये जंग खा गई है। ये पापा ने ली थी 1995 के अंदर, तो ये बिल्कुल 1-2 साल से इसको कोई नहीं चलाता। इसको मैं पहले बहुत चलाता था भाई, बहुत चलाई है मैंने दिल्ली के अंदर भी। इनफैक्ट ये बाइक है ना चोरी भी हो गई थी एंड सिकंदरा मोड़ पे मिली थी हमें, बड़ी ये लकी गाड़ी है, तो इसलिए हमने इसको कबाड़ में नहीं बेचा, रख रखा है संभाल के, क्योंकि कुछ चीजों से है ना आपकी यादें जुड़ी होती है। और गाइज ये तो पता ही है आपको, जो ग्रामीण लोग है उनको तो पता ही है भाई ये क्या है। तो गाइज ये है हल जिससे खेत जोता जाता है। अब के टाइम में तो ये लोहे वाले हल आ गए, और इससे पहले की बात बताऊं पापा बताते हैं, पापा और छोटे हुआ करते थे तो लकड़ी का हल होता था और एक बैल होता था जिससे मेरे दादा पूरे खेत को जोतते थे। मतलब एक सिंगल हल होता था जिसमें एक सिंगल ही लाइन बनती थी, तो कितनी मेहनत वाला काम था। और उस टाइम चड़स से पानी निकाला जाता था कुओं में से, वो भी एक अलग ही टाइम था यार, उसका भी एक अलग ही मजा है। शाम होने वाली है और हम यहाँ पूजा करते हैं शाम को, अभी तो 5:30 या 6 बजे का टाम हो रहा है, 7 बजे हम पूजा करेंगे। भाई आर्यन एक कुशल कारीगर है इसलिए हमने इसको काम दिया है पूरी लाइट फिटिंग करने का। तो पहले भी दिया था मेरे को 2000 का वादा करा था, नहीं दिया। वादे होते ही इसीलिए कि ताकि तोड़े जाए। तो गाइस सोनम तो गुड़िया को फीड करवा रही है। तो मेरी गुड़िया कैसे देख रहा है, हमारी गुड़िया को थप्पे दिला रहे हैं। तो गाइस अभी इसने दूध पी लिया और इसको थप्पे दिला रहे हैं, और अभी तेरे लिए ना डीजे मंगा दिया है, और अब तू आराम से नाचियो। क्या कह रहे हो मम्मी, आपने गोदी में नहीं ली कल से? पापा ने लेनी नहीं थी मेरे को। तो गाइस गुड़िया को कल से मम्मी का मौका ही नहीं मिला गोदी में लेने का। इसके नाम नितारा रखेंगे हम, नितारा अच्छा नाम। नितारा और परी है, मैंने तो परी रखा है। अभी तो ये सो रही है, इसने दूध पी लिया ना, तो दूध पीने के बाद आराम। जग जा बेटा, जग जा। तो गाइस ये पापा से बातें कर रही है, अब बातें करेगी। अभी नाना नानी के पास, दादा दादी के पास आ गई। तो नानी को रात को नींद ले आई, नानी को बेटा मैं बता रहा हूँ, सोनम बताएगी। नहीं आई मम्मी, तो ना पूरे घर में ढूंढ रही थी, 2-4 बार तो जग गई, पड़ी हो कहीं चटोल में, बिल्ली तो डालेगी है ना, नानी का घर बिल्ली तो नहीं लेगी। तो गाइस मैं आपको बताऊं, तो भाई सासू माँ को इतना ज्यादा लगाव और इतना प्यार हो गया ना, तो वो इसको ढूंढती है रात रात को उठ उठ के, कहाँ है गुड़िया, क्योंकि उनको इनकी आदत हो गई है। मन नहीं लग रहा है, अभी हमने है ना कॉलम वगैरह मंगवाए, डीजे वगैरह के जो छोटे वाले साउंड होते हैं वो मंगवाए, अभी सोनम को डांस करवाएंगे। कौन सा गाना, कौन से गाने पे करेगी सोनम, वो वाला जो मीना हो? ना ना ना, वो कॉपीराइट दे देते उनके गाने पे ही करेंगे हम लोग। कॉपीराइट नहीं देगा उनके गानों पे डांस करेंगे, क्योंकि भाई कल हमने वो 2 दिन होते सीने में लगाया था तो उस पे हमारा कॉपीराइट आ गया था। तो गाइस पूरा साउंड सिस्टम वगैरह लिया है। तो गाइस शाम का टाइम होता है ना, पूरे पहाड़ में से बकरियां वगैरह चर के आ जाती है, और ये देखो सब अब खाना पीना खा के पूरा पहाड़ में लेकर पहाड़ से आई है, और अब भाई इनका दूध निकालेंगे। और यहाँ पे यार पहाड़ों की वजह से बकरियां ज्यादा पालते हैं हमारे गाँव में, और वैसे यार बकरी का दूध बताऊं तो बहुत इफेक्टिव रहता है, लेकिन सोनम को बकरी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ भैंस का ही पीती है। हाँ।
अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। गाइस मैं आपको दिखा दो, देखो दो बकरियां हमने भी पाल रखी है अपने घर के अंदर, और अभी ये देखो अपना नाश्ता पानी खा रही है, जयलाल की बकरी है। हेलो, गुड़िया के बिना मन नहीं लग रहा आपका? ये गाइस आपको अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यशी का भी आज गोलू मटोलू को ढूंढ रही हो, कह रही गोलू मटोलू कहाँ है? गोलू मटोलू यशु हमारे पास में, आप आ जाओ जल्दी से। इनका क्या चल रहा है? काजू बादाम, कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम। राजस्थान में दो चीज कहीं भी मिल जाएगी, एक तो भैंस का गोबर, दूसरा माउंटेन ड्यू। तो गाइस हम देवर भाभी मिलके हम वो खा रहे हैं, वो बादाम बादाम पिस्ता। क्या आपके मुंह में भी पानी आया? आया तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस जलाल ने है ना रात का प्रबंध कर दिया, आग वाग जला के ठंड वंड हो जाती है रात को। हुक्के के अंदर जो चिलम वगैरह भरनी होती है इसी आग से भरेंगे। और देखो पापा बोल ही रहे, देखो चिलम वो लिया है, आग इसीलिए जलाई है कि चिलम में तम्बाकू भर सके। तो वैसे तो हमारे पास बड़ी वाली भी है जो बीच में पंगत में बैठ के घूम जाती है, लेकिन ये छोटी वाली इजी टू कैरी रहती है। जयलाल का काम है भाई तम्बाकू भरना, वैसे तो मुझे भी आती है, मैंने भी बहुत भरी है। इसको कुछ नहीं करना होता, इसको निकाल के इसमें दो ऐसी होते हैं पत्थर से, एक को नीचे रख के उसमें तम्बाकू रख के और उसको सेट कर दो ऊपर से, और ऊपर से आग डाल दो। देखो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, काला काके के सॉन्ग सुन रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। तो गाइस आज तो घर के अंदर सुबह से चाय बनी जा रही है और मम्मी चाय बना के लेकर आ रही है, और अभी भाई शाम का टाइम हो गया। शाम को जैसा कि आपको पता भाई आरती होती है, सारे बच्चे मिलके देखो आरती करते हैं शाम को, यार बड़ा अच्छा लगता है। शाम का टाइम है और बन रही है रोटी, अभी का नाम हमारी बर्फी है, बर्फी भाभी रोटी बड़ी अच्छी बनाती है। जब से घर के अंदर डीजे आया बच्चों का तो बिल्कुल मजे हो गए, ये कल रात से चला रहे हैं और बहुत नाच वाच रहे हैं। तो गाइज अभी वीडियो का एंड कर रहे हैं, तो सुबह हो चुकी है और नई वीडियो की शुरुआत आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम चीकू के नाम से, दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और हमने बहुत मस्त रील बनाई इंस्टाग्राम पे।